तो दोस्तों, अगर आप लोग भी बीसीसीआई के क्रिकेट ट्रायल को देने जा रहे हो तो आपको पता ही होगा कि ट्रायल देने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन करते समय वो कौन से 3 जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जो आपके लगते ही लगते हैं। अगर आपको पता है तो आप लोग इस वाले वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो इस वाले वीडियो में हमने बताया कि वो कौन से 3 जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग ट्रायल नहीं दे पाओगे। तो आप लोग इस वाले वीडियो को पूरे देखो, आखिरी तक देखो, वीडियो कर दो लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। हम क्रिकेट रिलेटेड वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग बीसीसीआई क्रिकेट ट्रायल को देना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करते समय वो कौन से 3 जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, वो ये हैं। पहला जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम है आधार कार्ड। आधार कार्ड आज की डेट में भारत के हर एक नागरिक के पास होता है। तो दोस्तों, आप लोग ट्रायल देने जा रहे हो तो अपना आधार कार्ड साथ में लेकर जाओ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय आपका आधार नंबर पूछा जाता है और आधार कार्ड से पहचान होती है कि हाँ, आप भारत के ही नागरिक हो, और तभी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप लोग ट्रायल भी दे पाओगे। दूसरा जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उसका नाम है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र से आपकी उम्र को नापा जाता है कि आप लोग कितने साल के हो, और रजिस्ट्रेशन करते समय आपका जन्म प्रमाण पत्र कंपल्सरी है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे और ना ही आप लोग ट्रायल दे पाओगे। इसीलिए आप लोग यहां पर जन्म प्रमाण पत्र बनवा लो। बीसीसीआई का मानना है कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तभी आप लोग ट्रायल दे पाओगे और तभी आप लोग यहां पर रजिस्ट्रेशन भी कर पाओगे। तो तीसरा जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उसका नाम है 10th और 12th की मार्कशीट। अगर आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करते समय उसको भी लगा सकते हो। इससे भी बीसीसीआई आपकी उम्र को चेक करता है कि आप लोग कितने साल की हो। तो दोस्तों, बीसीसीआई का मानना है कि वो आपका यहाँ पर उम्र चेक कर रहा है, आपका ये नहीं देख रहा है कि आप लोग कितने पढ़े हो कितने नहीं पढ़े हो। अगर आपके 0 नंबर भी आए तो उससे मतलब नहीं है, केवल वो आपकी उम्र को पता लगा रहा है मार्कशीट के थ्रू। अगर आप 5 क्लास तक पढ़े हो तो 5 क्लास की मार्कशीट लगाकर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, यही है वो 3 जरूरी डॉक्यूमेंट जिसकी मदद से आप लोग बीसीसीआई की ट्रायल दे पाओगे। आपको लोग कोई भी ट्रायल में जाकर रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं और आप लोग आराम से ट्रायल दे पाओगे बीसीसीआई के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपनी कोई भी राय हो तो कमेंट करके बताओ। आज के लिए इतने दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।